محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. आप सब आगे आ जाइए, ज़ायरीन से गुजारिश है कि आगे आ जाएं। कोशिश करें कि एक तरफ जेंट्स एक तरफ लेडीज। हम लोग अभी मकाम इमाम ज़माना जल्लाह ताला फरजहु शरीफ में आए हुए हैं। जैसा कि भी मौलाना ने भी बयान किया था कि यहाँ पर ये जगह मंसूब है इमाम ज़माना से, लेकिन ये मंसूब बड़े बड़े उलमा ने इस जगह का नाम रखा है कि ये मकाम इमाम ज़मान है। ऐसा कोई यहाँ पर भी ये बयान नहीं मिलता है कि किसी ने यहाँ पर इमाम को देखा हो या और दूसरी चीज़ें, लेकिन चूँकि ये मंसूब है और बड़े बड़े उलमा ने, ख़ास तौर पे मुहद्दिस नूरी नाम के एक आलिम ने अपनी किताब में जहाँ वो ज़्यारत करने के लिए रहनुमाई कर रहे थे कि कहाँ कहाँ ज़्यारत के लिए जाना है, उन्होंने भी अपनी किताब में लिखा है कि इमाम ज़माना से मंसूब है, तो हम लोग यहाँ पर इसके मंसूब होने की वजह से यहाँ ज़्यारत के लिए आए। हम लोग अभी पलटेंगे वहाँ पर, वो जो ज़्यारत लिखी हुई है छोटी सी ब्लू, उसमें हम लोग इस ज़्यारत को यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। तो आप सबसे यहाँ पर गुजारिश ये है कि जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो एक मरतबा हम इमाम ज़माना की ज़्यारत पढ़ेंगे, और यहाँ पर खड़े रहकर एक मरतबा मौलाए कायनात के लिए इमाम ज़माना की नियाबत में इमाम अली अलैहिस्सलाम को भी सलाम भेजेंगे कि आपके पोते की तरफ से आप पर सलाम। शायद मुमकिन हो कि वो सलाम जो हम डायरेक्ट इमाम को कर रहे हैं हमारे गुनाहों की वजह से वो जवाब के काबिल ना हो, और इमाम जब अपने पोते की तरफ से, उनके पोते की तरफ से हम जब सलाम भेजें तो यकीनन वो उसका जवाब दें, और ये एक सिफारिश का और इमाम से नज़दीक होने का एक ज़रिया है। तमाम इमामों के बारे में मिलता है कि जब हम उनकी ज़्यारतों के लिए जाते हैं तो कोशिश किया करें कि इमामों की ज़्यारत इमाम की नियाबत में करें। मिसाल के तौर पे इमाम अली की ज़्यारत के लिए जा रहे हैं तो एक मरतबा अपने वक्त के इमाम की नियाबत में, जैसा हम अपने माँ बाप की तरफ से, अपने रिश्तेदारों की तरफ से, उन लोगों ने जिन्होंने कहा है कि मेरी तरफ से एक सलाम कहना, हम उनकी तरफ से ये ज़्यारत पढ़ते हैं, वैसे ही कोशिश करें कि वक्त के इमाम की तरफ से ज़रूर एक सलाम। तो आप लोगों के पास जो आज का मौका रहेगा ज़्यारत का, उसमें इमाम अली की एक ज़्यारत इमाम ज़माना की तरफ से ज़रूर पढ़िएगा, चाहे वो मुख्तसर हो। हम सब यहाँ पर इमाम ज़माना की ज़्यारत पढ़ रहे हैं। अस्सलामु अलैका या साहिब अज़्ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफत अर्रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीक अल-कुरआन, अस्सलामु अलैका या क़ातिअ अल-बुरहान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल-इंस वल-जान, अस्सलामु अलैका वअला आबाइका अत-तय्यिबीन वअजदादिका अत-ताहिरीन अल-मासूमीन। सलाम हो आप पर, सलाम हो आपके बाप और दादा पर कि जो पाको पाकीज़ा और मासूम थे। व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु। हम सब एक मरतबा मिलकर दुआए सलामती इमाम ज़माना की तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। صلواتك عليه و
كل إنسان وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قبيلا. اللهم صل على محمد. ایک جملہ ہم لوگ امام زمانہ کی طرف سے امام علی علیہ السلام کے لیے میں پڑھتا ہوں, آپ سب میرے ساتھ, سادی زیارت ہے. السلام علیک یا امیر المؤمنین, السلام علیک یا امیر المؤمنین, السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ, السلام علیک یا امین اللہ فی ارضہ, وحجته على عباده, وحجته على عباده, السلام عليك, السلام عليك يا علي ابن ابي طالب, يا علي ابن ابي طالب, ورحمه الله وبركاته. آپ سب زیارت کے لیے مقام میں جا سکتے ہیں. سب جلدی ادھر دیکھو, دوسرے کو دعا میں ضروری آ